और अब आइए खबरों में। सबसे पहले बात करते हैं सीएम सिटी गोरखपुर की, जहां पर डॉक्टरी के नाम पर जालसाजी करने वाले डॉक्टर अभिषेक के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गावाड़ी निवासी डॉक्टर अभिषेक की 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी प्रशासन ने कुर्क कर दी है और डॉक्टर अभिषेक पर बिना मान्यता के राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज संचालित करने का आरोप है। और आरोप है कि डॉक्टर अभिषेक ने जाली दस्तावेज तैयार कर शासन से मान्यता मिलने की खबर फैलाई और इसकी आड़ में नर्सिंग कॉलेज में सैकड़ों छात्र छात्राओं का प्रवेश ले लिया। मान्यता की शिकायत पर शासन के संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह ने जांच कराई और उसके बाद 8 जनवरी 2022 को कोतवाली थाने में राज नर्सिंग कॉलेज के संचालक पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस पहले ही आरोपी संचालक, डॉक्टर, उसकी पत्नी और बहन को जेल भेज चुकी है। ये ऐसा कॉलेज है जहाँ पे लोगों करीबन 30 से 40 बच्चों की अटेंशन स्ट्रेंथ की लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा बच्चों को एडमिशन देगी। हमने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और बाद में फर्जीवाड़ा करके कई प्रकार के पत्र इन्होंने शासन से भिजवाए। इस तरह का एक मेडिकल माफिया जो कि गोरखपुर शहर में कई वर्षों संचालित था, इसके खिलाफ गैंगस्टर में कार्रवाई कर आज करीबन 100 करोड़ के आसपास की इसकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। और ये एक महत्वपूर्ण संदेश है मेडिकल माफियाओं के खिलाफ और किसी प्रकार के माफियाओं के खिलाफ। डॉक्टर के नाम पर जालसाजी करने वाले डॉक्टर अभिषेक के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अभिषेक की 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी प्रशासन ने कुर्क कर ली है और एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश की गई है इस कार्रवाई के जरिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी इस वक्त जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, डॉक्टर अभिषेक के खिलाफ जिस तरीके से लगातार शिकायतें मिल रही थी, एक बड़ा मैसेज भी दिया गया है प्रॉपर्टी कुर्क करने के साथ साथ। जी बता दें कि मेडिकल माफिया जो जो राज पैरामेडिकल कॉलेज चलाते थे उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जो डॉक्टर अभिषेक थे जिन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने मेडिकल कॉलेज का जो है परमिशन दिखाया था, छात्रों का मोटी रकम लेकर छात्रों का प्रवेश ले लिया था, जिसके बाद जो है छात्रों ने जब डिग्री को लेकर मांग की, जब मान्यता को लेकर मांग की तो काफ़ी प्रदर्शन हुए थे, जिसमें एक छात्र ने जो है आत्महत्या की भी कोशिश की, जिसके बाद संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। तो जिसके बाद आज जो है कुर्की की कार्रवाई हो रही है, प्रशासन द्वारा कुर्की कार्रवाई कर रही है। डॉक्टर अभिषेक यादव की जो संपत्ति है उसकी कुर्की कार्रवाई हो रही है, जिसमें 3 संपत्तियाँ अभी तक कुर्क की जा चुकी हैं जो 50 करोड़ की हैं, लेकिन अभी शाम तक कार्रवाई चलेगी और 100 करोड़ के पास की संपत्ति है जो आज कुर्क होनी है। आज जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम कुर्क कर रही है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर 100 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है जिसे कुर्क किया जाना है। विनय आप बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास, विशाल के पास चलते हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विशाल, क्योंकि इस मामले में जांच भी बिठाई गई थी और बड़ा एक्शन लिया गया है कि किसी भी सूरत में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था और गैंगस्टर लगाया गया था और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विषय पर गंभीरता से आदेश जारी किए थे और अब छात्रों को उनका छात्र छात्रा जो थी जो उनके जो मान्यता प्राप्त उनको बताया गया था उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बाद जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, उसकी फर्जी डिग्रियां पकड़ी गई, तो उसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए।